हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं जन्मेजय आपको स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल फेब टू कू पर। मेरे वीडियो में भी आप सब कमेंट कर रहे थे कि सर सिंगल फेज का मशीन कौन सा लें, आप बताइए। बिना यूज किए मैं तो आपको बता नहीं सकता कि यही कंपनी का मशीन सबसे बेस्ट है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन मंगाया मशीन। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो मशीन मैंने लाया हूँ उसका इसे खतरनाक टेस्टिंग कोई भी आज तक नहीं किया होगा यूट्यूब में, वैसे वाला टेस्टिंग करने वाला हूँ, ताकि मुझे भी तसल्ली मिल जाए कि मशीन बेस्ट है। और आपको बताऊँ कि मशीन आप लीजिए वही कंपनी का, तो आप भी मशीन लेंगे तो आपका कोई बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए, जिस मशीन का मैं बात कर रहा हूँ पहले देख लीजिए वो मशीन कौन सा है। ये है इसाब कंपनी का एक्सपर्ट वेल्ड 2000 मशीन मॉडल है। ये सिंगल फेज मशीन है दोस्तों, इसको आप घर में आराम से यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे यही लगा कि ये मेड इन इंडिया है। और अभी इस मशीन का हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, उसके बाद लास्ट में इसका एक खतरनाक टेस्टिंग करने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, और इसको कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं वो आप देखिए। दोस्तों, मशीन को लाइन सप्लाई देने के लिए इसमें 3 मीटर के आसपास केबल दिया है, और यह 15 एम्पियर का प्लग जो कि मशीन के लिए अच्छा है। और इसका ऑन ऑफ स्विच पीछे तरफ है, और यह स्विच भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे। मशीन के सामने तरफ देखेंगे तो इसमें 2 लाइट है, अगर मशीन ऑन होने के बाद एक ग्रीन लाइट जलती है, अगर मशीन में कुछ ख़राबी हुआ तो यही वाला लाइट जलती है। दोस्तों, इस मशीन में डिस्प्ले नहीं दिया है, पर कोई बात नहीं, आप एक बार एम्पायर सेट करने के बाद आप आराम से होल्डिंग कर सकते हैं। और नीचे तक आप देखेंगे तो ये जो प्लस पॉइंट है ये होल्डर के लिए, और माइनस वाला अर्थिंग के लिए। ये उसका हैंडल है मशीन, ताकि इसको पकड़ के मशीन को आराम से लिया जा सकता है एक जगह से दूसरा जगह। और ये इसका बेल्ट है, जिससे हम ऊंची जगह में होल्डिंग करने के लिए कंधे में मशीन रख के होल्डिंग कर सकते हैं। मैंने फिटिंग कर दिया, बेल्ट और हैंडल लगा दिया मशीन का। ये मशीन बहुत हल्का है दोस्तों, इसलिए इसको आराम से कहीं भी हम ले जा सकते हैं। अगर कहीं ऊपर जगह में होल्डिंग करना हो तो इसको कंधे में झुला के आराम से होल्डिंग कर सकते हैं। ये कम से कम 3 किलो के आसपास है मशीन। अभी चलिए इसका होल्डर और अर्थ केबल फिटिंग करेंगे। मशीन छोटा सा है, पर इसका अर्थिंग क्लैंप, होल्डर, केबल, प्लग ये सब मस्त हैवी का दिया हुआ है। जब इस मशीन को मैं ऑनलाइन देख रहा था तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, फिर जब इसको ऑनलाइन ऑर्डर दिया, घर पहुंचा, तब देखा
पैकेट में थोड़ा छोटा, थोड़ा सा छोटा दिखाई दिया, और जब इसको अनबॉक्स किया तो बहुत ही छोटा दिखाई दिया मशीन मुझे। मशीन तो छोटा दिखाई दे रहा है दोस्तों, पर अभी टाइम हो गया इसका क्वालिटी चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं इस छोटे से मशीन में कितना दम है। गजब जल रहा है दोस्तों, पूरा पानी की तरह। और वेल्डिंग का क्वालिटी भी देखिए, पूरा मस्त। मशीन छोटा है और इसका वेल्डिंग देखिए, सुपर पावर। चलिए अभी 8 mm मोटा प्लेट का होल करके देखेंगे इसमें, अगर मशीन में दम होगा तो इसको होल कर सकेगा। अभी वोल्टेज को फुल कर देंगे, हाई वोल्टेज में इसको 8 mm प्लेट को होल करना पड़ेगा। गजब पावर यार, देखिए पूरा आराम से आसानी से होल कर दिया 8 mm प्लेट को। अभी इस 8 mm प्लेट को काट के देखेंगे, तो काट पाएगा कि नहीं। देखो फटाफट कुछ ही मिनट में काट के फेंक दिया। चलिए अब इसको कटिंग करके देखते हैं, ये स्टील का है। गजब गजब पावर है मशीन में दोस्तों, देखिए उसी पल में इसको काट कर फेंक दिया। आप समझ रहे होंगे कि ये छोटा मशीन है, लेकिन इसका पावर बहुत हाई है। मेरा तो, मुझे तो पसंद आ गया मशीन। मैंने इसको जब ऑर्डर दिया था तो सोचा कि कैसा मशीन होगा, पर मशीन का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप अगर ऑनलाइन में सर्च करेंगे टॉप 5 वेल्डिंग मशीन, तो इस आपका पहले नंबर पे भी आएगा। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो अमेजन में मिल जाएगा। अमेजन में इसका प्राइस लगभग 7,500 है, और इसका लिंक मैंने अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ताकि आप आराम से ऑनलाइन ख़रीद सकें। मशीन दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका क्वालिटी दमदार है दोस्तों, पसंद आ गया मुझे।